फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द इंडियन नोमैड। आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूरो की नोट्स और यूरो की कॉइंस कैसी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यूरो नोट्स और कॉइंस। दोस्तों यूरो की जो सबसे बड़ी नोट है वो है 500 यूरो की नोट और उसके नीचे जो है वो है 200 यूरो की नोट। ये दो दुनिया के सबसे हाई वैल्यू करेंसी नोट्स में से एक है। तो ये यूरो 500 वाले नोट जो है उसका प्रिंटिंग अभी बंद हो चुका है, लेकिन जो प्रिंटेड ऑलरेडी है वो अभी तक लीगल टेंडर है। और जो यूरो 200 की नोट है वो भी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन वो भी प्रिंटेड है और मिलते हैं आजकल भी। तो ये जो यूरो 500 वाली नोट है उसका वैल्यू तकरीबन इंडियन के 39,000 रुपीज है। वेरी हाई वैल्यू करेंसी है ये। और जो 200 यूरो की नोट है उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इंडियन की 16,000 रुपीज है। तो ये दो यूरो के नोट बहुत हाई वैल्यू करेंसी नोट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये दो नोट्स नहीं है क्योंकि इतना हाई वैल्यू करेंसी है, इसलिए मैं रखा नहीं ये दो नोट को। तभी मैं आपको ये दो नोट्स के पिक्चर्स दिखाते हो। चलिए तो ये रहा यूरो की 500 यूरो की फ्रंट साइड और अभी आप देख सकते हैं ये 500 यूरो की बैक साइड। और ये आप अभी देख सकते हैं 200 यूरो की फ्रंट साइड और ये आप देख सकते हैं 200 यूरो की बैक साइड। 200 यूरो के नीचे जो नोट है वो है 100 यूरो की नोट। 100 यूरो की नोट मेरे पास है और ये रहा 100 यूरो की नोट। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। ये जो 100 यूरो की नोट है ये लाइटिश ग्रीन कलर की है। यहाँ पे एक कुछ सिक्योरिटी फीचर है और ये यूवी लाइट के अंदर ग्लो करते हैं। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की सिंबल है और जो यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी फीचर्स है और यहाँ पे ग्रीक में भी लिखा हुआ है यूरो। तो ये 100 यूरो की नोट है। इसका वैल्यू तकरीबन 7,700 इंडियन रुपीज़ है, 7,500 से भी ज़्यादा है। लेकिन इतना हाई वैल्यू नोट है तब भी देखने में इतना आपको हाई वैल्यू नहीं दिखते। ये एकदम सिंपल नोट जैसा है, ज़्यादा कुछ प्रिंटिंग का ज़्यादा नहीं है, सिंपल नोट है, जस्ट सिक्योरिटी फीचर्स थोड़ा हाई है। दोस्तों यूरो की नोट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 के 1 जनवरी को। तो जो 2002 के 1 जनवरी को सारे मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज यूरो को एक्सेप्ट करने स्टार्ट कर चुके थे, तो उस टाइम पे 12 कंट्री यूरो एक्सेप्ट कर चुके थे। लेकिन जो यूरो के फिजिकल करेंसी से पहले उन लोग एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ यूरो यूज कर रहे थे वो थे January 1, 1999 से 2002 तक 3 साल इन लोग एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में चलाया। और उसके बाद 2002 के 1 जनवरी से फिजिकल नोट्स और कॉइन्स उन लोग छापा। और उसके बाद अभी एट प्रेजेंट अराउंड 23 कंट्रीज यूज करते हैं यूरो करेंसी एज देयर लीगल टेंडर मनी। तो यूरो के नेक्स्ट नोट जो है 100 नोट के नीचे वो है 50 यूरो की नोट। ये 50 यूरो की नोट ये रहा, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। ये भी एक लाइट येलोइश वाटरमेलन कलर टाइप का नोट है। ये भी कागज का ही नोट है और यहाँ पे एक सिक्योरिटी स्ट्रिप है। यहाँ पे भी सेम यूरोपियन यूनियन की साइन है, यहाँ पे कुछ उन लोग का ऑफिशियल का साइन है, ये भी ग्रीक में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 4,000 इंडियन रुपी के बराबर है। ये 50 यूरो की नोट है, लेकिन इसमें मेरे लग रहा है कि 100 यूरो की नोट से ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी फीचर्स है इस पर लग रहा है, मतलब बाहर से देख के। तो ये हो गया 50 यूरो की नोट, इसका वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली इंडिया के 4,000 रुपये। दोस्तों उसके बाद आते हैं यूरो की जो थर्ड स्मॉलेस्ट करेंसी है वो रहा 20 यूरो की नोट। ये रहा 20 यूरो की नोट, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। ये जो 20 यूरो की नोट है ये हम लोग इंडिया के 50 रुपये जो है नया वाला 50 रुपये उसके जैसा साइज का ही दिख रहा है। ये लाइट ग्रीन का है और यहाँ पे एक सिक्योरिटी स्ट्रिप है और एज यूजुअल सेम है, यहाँ पे एक ऑफिशियल का साइन है, यूरोपियन यूनियन की सिंबल है और यहाँ पे ग्रीक में लिखा हुआ है और इन लोग का कुछ कैथेड्रल का फोटोज है यहाँ पे और पीछे में भी एक यूरोपियन यूनियन का सिंबल है। तो ये 20 यूरो की नोट है, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी में 1,500 रुपये के बराबर है इसका। दोस्तों यूरो की जो सेकेंड स्मॉलेस्ट नोट है वो है 10 यूरो की नोट। ये 10 यूरो की नोट आप देख सकते हैं, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। ये भी रेडिश वाटरमेलन कलर टाइप की नोट है और इसका वैल्यू इंडिया के अप्रोक्सीमेटली 750 रुपये है और साइज ऑलमोस्ट इंडिया के जो नया वाला 10 रुपया है उतना साइज ही हो गए। और ये भी प्लास्टिक नोट नहीं है, ये कागज के ही नोट है और यहाँ पे एक साइड में ये स्ट्रिप है और इसके अंदर भी नीचे भी एक अलग सा स्ट्रिप है जो काउंटरफिट ना कर सकते। तो ये रहा 10 यूरो की नोट।
और दोस्तों यूरो की जो सबसे छोटी नोट है वो है 5 यूरो की नोट, और 5 यूरो की नोट ये रहा, ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। ये जो 5 यूरो की नोट है ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग के इंडिया का 5 रुपए के बराबर ही है देखने में, लेकिन इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 400 रुपए से भी ज्यादा है। और ये ग्रीन कलर की है, ये भी कागज का नोट है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी स्ट्रिप यहाँ पे है और एक सिक्योरिटी स्ट्रिप यहाँ पे है, और अंदर में एक जैसे हम लोग का गांधी जी का वो दिखते हैं अंदर पे वाटरमार्क, तो इनके भी एक लेडी के दिख रहे कौन है पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है अंदर में। तो ये रहा 5 यूरो की नोट, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इंडिया के 400 रुपए के बराबर है, और ये यूरो की सबसे छोटी नोट है। इसके बाद जो करेंसी है उस सब कॉइन्स की है, कॉइन्स है 2 यूरो की कॉइन, 1 यूरो की कॉइन, और उसके बाद सेंट आते हैं 50 सेंट की कॉइन, 20 सेंट की कॉइन, 10 सेंट की कॉइन, 5 सेंट, 2 सेंट, 1 सेंट। तो ये नोट अभी यहाँ पे खत्म करता हूँ, और अभी आपको दिखाता हूँ यूरो के कॉइन्स कैसे कैसे है। वीडियो इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो अगर आप इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों अच्छा लगेगा। बाय बाय।